एक्वामैन के पार्ट 2 मूवी के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है जो कि DCU की लास्ट मूवी होने वाली है और इसको देखकर हमें कई सारी चीजें पता चल रही है कि आखिर मूवी कैसी हो सकती है और इसमें स्टोरी क्या होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस मूवी का जरा सा भी हाइप नहीं है और ना ही इस मूवी को स्टूडियो प्रमोट कर रहा है अच्छे से, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि DC की जितनी भी पिछली फिल्में आई हैं वो सारे की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। अब चाहे हम बात करें ब्लैक एडम मूवी के बारे में या फिर द फ्लैश मूवी के बारे में, हाल ही में जितनी भी DC की फिल्में रिलीज हुई हैं वो सारी फ्लॉप हो गई हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं आप ये मानो या नहीं मानो जेम्स गन है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि DCU अब रिबूट हो रहा है जिस वजह से पुराने जितने भी अब मूवीज थी DC की उनका अब कोई भी महत्व नहीं रहा है, क्योंकि नए DCU में नए स्टोरी के साथ साथ हमें नए एक्टर देखने को मिलेंगे। हाँ, तो इसमें जेम्स गन का गलती बस यही है कि जेम्स गन ने वक्त से पहले ही कई सारी चीजों की अनाउंसमेंट कर दी। मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2025 के बाद ही हमें कोई नया DCU का मूवी देखने को मिलेगा, तो अगर वो अपना अनाउंसमेंट 2025 में ही करते हैं तो चीजें जैसे अभी दिख रही है उससे काफी अलग होती और ऐसा भी हो सकता है कि ना ही ब्लैक एडम मूवी और ना ही फ्लैश मूवी फ्लॉप होती, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी वो मूवी क्यों ही देखें, क्योंकि ये सारे जितने भी मूवी अभी आई हैं वो फ्यूचर के DCU के सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्सा है ही नहीं, तो इसीलिए लोग उस पर अपना वक्त और पैसा क्यों खर्च करें। OTT पर आएगा वो लोग आराम से देख लेंगे और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से की सारी मूवी फ्लॉप हो रही है। बाकी बात करें एक्वामैन 2 मूवी के बारे में तो इस मूवी का भी हालत हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी का 4-5 बार रीशूट हो चुका है और इस मूवी का कई बार स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखा गया था जिसमें लोगों को यह मूवी इतनी ज्यादा बुरी लगी कि वो लोग इस मूवी को पूरा देखे बिना थिएटर से बाहर जा रहे थे। अब इससे हमें यह पता चलता है कि यह मूवी कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है, क्योंकि लोगों को यह मूवी इतनी ज्यादा बुरी लग रही है कि वो बाहर भाग जा रहे हैं, ये बात काफी परेशान करने वाली है। लेकिन मुझे इसका टीजर देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यह मूवी बुरी होने वाली है, क्योंकि यह टीजर काफी ज्यादा बवाल लग रहा है दिखने में और जैसा इसका पार्ट 1 मूवी का लेवल था बिल्कुल उसी लेवल को मेंटेन किया है पार्ट 2 मूवी में भी। मतलब ट्रेलर में तो यही देखकर लग रहा है, रियलिटी में क्या है वो तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। बाकी बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, जितना कि हमें टीजर देखकर पता चल रहा है कि इस मूवी में एक्वामैन का बेटा होने वाला है और एक्वामैन अटलांटिस को छोड़कर अपने पृथ्वी पर रह रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है जिससे वो अच्छा बाप बन सके। लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्वामैन 2 मूवी से रिलेटेड एक काफी तगड़ा रूमर फैल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ब्लैक मैंटिल जो कि इस मूवी का विलन होने वाला है वो एक्वामैन के बेटे को मार देगा। अब भाई लोग देखो, अगर ऐसा कुछ हो गया मूवी में तो ये मूवी काफी ज्यादा डार्क जाने वाली है और हम सब जानते हैं कि DC डार्क जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है और ऊपर से ये DCU की लास्ट मूवी है, तो अगर ऐसा दिखा दिया जाएगा तो ये काफी ज्यादा तगड़ी बात होगी। अब अगर आपने इसके ट्रेलर और टीजर को अच्छे से देखा होगा तो उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इन दोनों ही टीजर और ट्रेलर में हमें एम्बर हर्ड के कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया है अच्छे से। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का एक केस चला था जिसमें एम्बर हर्ड वो केस हार गई थी जिस वजह से उनको कई सारे मूवी से निकाल दिया गया था, लेकिन क्योंकि एक्वामैन मूवी में उनका काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो इसीलिए उनको बिना किसी रीजन के मूवी से नहीं निकाल दिया जा सकता है, क्योंकि इससे मूवी की स्टोरी पे फर्क पड़ेगा और ऊपर से यार मूवी में एक्वामैन और मीरा का एक बच्चा हुआ है और बिना मूवी में माँ को दिखाए हुए बच्चा कैसे हो सकता है, तो इसीलिए मजबूरन स्टूडियो वालों को एम्बर हर्ड को कैरेक्टर को दिखाना ही पड़ रहा है मूवी में। लेकिन हाँ, कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके कई सारे सीन को कट कर दिया गया है मूवी में और मात्र 15 मिनट का स्क्रीन टाइम बचा है उनका इस मूवी में, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के हिसाब से काफी कम है। अब इन्हीं सब रीजन की वजह से जॉनी डेप के फैंस भी इस मूवी को काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं। बाकी मैं बात करूं अपने, तो मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि एक्वामैन की पहली मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी और जेसन मोमोआ ने उस मूवी में जिस तरह का एक्टिंग किया था उसे देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, तो इसीलिए मैं होप कर रहा हूँ कि ये मूवी भी अच्छी होगी। बाकी आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि ये लास्ट मूवी है DCU की, तो अभी एक इंटरनेट पर यूमर चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जेसन मोमोआ इस मूवी में जो एक्वामैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो आखिरी बार कर रहे हैं और उसके बाद वो न्यू DCU में लोबो का कैरेक्टर प्ले करेंगे जो कि एक काफी तगड़ा विलन है और कुछ हद तक वो जेसन मोमोआ जैसा ही दिखता है। तो देखते हैं कि क्या ये रूमर सही है या फिर गलत है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि एक्वामैन की जो पार्ट 1 मूवी थी उसने 1 बिलियन कमाई की थी, तो अब देखना यह है कि ये मूवी कितना कलेक्शन करती है। ये बात तो कंफर्म है कि ये मूवी 1 बिलियन का मार्क क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस मूवी का जरा सा भी हाइप नहीं है। बाकी इसके अलावा मैंने लोकी के सीजन 2 के ऊपर भी बात किया है कि एंडिंग में आखिर हुआ क्या और क्या हमें फ्यूचर में लोकी के सीजन 3 देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पे टैग करके वो वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पता हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।